गया लाल, उस पर ये देखते रहे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास थर्ड में हिंदी में आज का टॉपिक है माय गुड नेम। माय गुड नेम इसमें क्या है, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है और इस पार्ट को मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि नेम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ये एक औषधि क्या है, औषधि पेड़ है जिससे इसकी जो पेड़ होता है इसके बीज भी काम आते हैं और इसके फल से क्या बनता है और इसकी जो छाल होती है उससे क्या किया जाता है। तो इसमें पहले मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज, इसको वॉकिंग बताऊंगी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो मैं नीम का पेड़ हूँ, आपने मुझे जरूर देखा होगा। मैं गाँव से लेकर शहर तक हर जगह क्या होता है, मिलता हूँ। ये सच है कि आज भी सुबह सुबह दादू के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है। मेरी दादू काढ़ी होती है और दांतों के लिए बहुत क्या होती है, नाक काढ़ी होती है। इससे से दांत जो है वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं और उसमें दांतों में क्या होता है, कीड़ा भी नहीं लगता है। मेरी पत्तियां, उसकी पत्तियां इतनी घनी होती है कि हमें छाया देती है और उसकी शीतल छाया पे हम बैठ करके आराम करते हैं और पशु पक्षी भी उसके नीचे बैठते हैं। गांव में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चौपाल पेड़ के नीचे ही बनाते हैं। वो जो जीवन भर आपके काम आता है, यानी नीम का वृक्ष होता है वो हमारे जीवन भर काम आता है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, काटते संख्या कम होती जा रही है काटने के कारण। फिर वो आप मुझे बहुत करीब से जाने समझे और मुझे बचाने का प्रयास करें। तो आप इससे क्या होती है कि नीम के वृक्ष से अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा मिलती है और उसकी पत्तियां के नीचे, पत्तियों के नीचे हम क्या करते हैं, उसकी छाया में हम आराम करते हैं और जो उसके फल होते हैं उनके सूखी पत्तियों को जलाकर, जलाने से क्या होता है, बच्चे भाग जाते हैं और क्या कहते हैं, अनाज की पत्तियां होती है वो अनाज में डालने से क्या होती है, नीम की पत्तियां जब हम अनाज में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। और जब हम कपड़े वगैरह भी रखते हैं बॉक्स में तो भी हमें नीम की पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है और उसको सुखा करके तो सुखाने के बाद उस पत्तियों को हम जलाते हैं। जला करके उससे जो क्या होता है, मच्छर वगैरह भाग जाते हैं और उड़ने वाले छोटे छोटे और जीव जंतु होते हैं वो भी भाग जाते हैं। जो नीम के पेड़ में जो फल और फूल लगते हैं उसमें फल को हम क्या कहते हैं, लिगोरी कहते हैं और जो फूल है जो उसका फल होता है वो बहुत काम आता है। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां जो है वो क्या होती है, दूर हो जाती है और गुठली का तेल निकाला जाता है और क्या बनता है, साबुन भी बनाया जाता है इसे, जो लिगोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन जो होता है वो कोड़े कुर्सियों में काम आता है और जो उसकी खड़ी कच्ची पत्ती है वो खाद के काम आती है। जब बच्चों के गर्मी के कारण कोड़े कुर्सियां निकलती है तो वो उसकी छाल घिस करके लगाने से क्या होता है, कोड़े कुर्सियां ठीक हो जाती है। और ये बताना कि जब भी बुखार आए तो क्या करें, इसलिए नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से क्या होता है, बुखार और सिर और पैर जो है उसका जड़ को है, जड़ को हम दे करके उसको पानी में उबाल कर उसका पानी पीते हैं तो हमें उससे बुखार ठीक हो जाता है। और तो इसीलिए मेरे सभी अंग जो है वो जड़, तना, शाखा, पत्ती और फल किसी ना किसी काम में आते रहते हैं। तो इसलिए जो है नीम को बीमारी भगाने का भगाने वाला पेड़ कहा गया है। हम उसमें देखेंगे इसे सबदर्द को देखेंगे। सबदर्द में क्या देखेंगे, इसमें सबसे पहले सघन घना
इसके बाद खेल खेल यानी युद्ध प्रयास प्रयास यानी प्रयत्न या कोशिश इसके बाद अक्सर अक्सर यानी प्राय या हम कह सकते हैं अधिकतर चौपाल चौपाल यानी पंचायत की जगह गरम कपड़ों के बीच क्या रखते हैं नीम की सूखी पत्तियां
लगन का अपना उपाय इसलिए रखते हैं कि उसमें कीड़ा ना लगे अब ये नीम की दातुन करने से क्या लाभ है तो नीम की दातुन करने से नीम की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं मजबूत होते हैं और उसमें कीड़ा नहीं लगता नीम के तेल से क्या क्या बनता है तो क्या क्या बनता है नीम के तेल से साबुन नीम के तेल से क्या बनता है नीम के तेल से साबुन बनता है और इसमें पूछ रहा है नीम कि जड़ को पानी में उबाल कर पीने से क्या होता है तो क्या होता है बुखार नीम की जड़ को पानी में उबाल कर पीने से बुखार ठीक हो जाता है पीने से क्या होता है बुखार ठीक हो जाता है उसके बाद देखेंगे नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं तो उससे क्या होता है नीम की सूखी पत्तियां जलाने से क्या होता है नीम की सूखी पत्तियां जलाने से भाग जाते हैं मच्छर और कीट पतंग
बढ़ाने वाला पौधा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है नीम को बीमारियां बढ़ाने वाला पेड़ इसलिए कहा गया है कि उसके सभी अंग मतलब उसकी जड़ तना पत्ती शाखा फूल फल सभी किसी ना किसी का आते हैं। सभी क्योंकि यह एक औषधि पेड़ है। यह एक औषधि वृक्ष है या पेड़ है, इसलिए इसे जो है बीमारी लगाने वाला पेड़ कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि निम्नलिखित में से सही गलत कितना है। अब देखिए सही गलत क्या है। नीम के फल से साबुन बनता है, सही है। नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, ये भी सही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, ये गलत है। नीम की छाल पानी में घिस कर लगाने से फुंसियां ठीक हो जाती हैं, ये भी सही है। इसके बाद देखिए खाली स्थान निगोरी की गुठली से तेल निकलता है। अब इसमें हम देखते हैं कलर क्या होगा। इसमें सही गलत तो सही गलत में क्या है? नीम के फल से साबुन बनता है, इनके फल से साबुन बनता है, तो ये क्या है? सही है। पहला साबुन बनता है, तो क्या है ये कि सही है। इसके बाद नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, जलाने से
ये भी सही है। इसके बाद है अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा ये क्या, ये गलत है। नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से कुर्सियां ठीक हो जाती हैं। तो ये क्या है, ये भी सही है। कुर्सियां क्या होती है, ठीक हो जाती है। नीम के फल से साबुन बनता है, सही है। नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है, ये भी गलत है। ये नीम की छाल पानी में घिस कर लगाने से कुर्सियां ठीक हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे खाली स्थान, भिगोरी की गुठली से निकलता है, क्या निकलता है, तेल निकलता है, क्या निकलता है, तेल निकलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी है, शुद्ध हवा क्या है, जरूरी है। तो जरूरी भरना है उसमें, तो फिर मेरी पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में नहीं लगता, मेरी सूखी पत्तियों, सूखी पत्तियां रखने से गर्म कपड़े में क्या नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती, कहां तक नहीं पहुंच पाती, धरती तक। क्या भरेंगे इसमें, इसके अंदर क्या भरेंगे, इसमें किरणें, किरणें। इसके बाद जो है फिर हम इसमें देखेंगे एक वचन और बहुवचन लिखना, जैसे नाली, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, नालियां। इसके बाद बूटी, बूटियां, निगोरी, निगोरियां, गुठली, तो क्या होगा, गुठलियां। इसके बाद पत्ता, पत्तियां। ऐसे ही हम देखेंगे कि इसमें खालिस्तान, खालिस्तान बनेगी क्या, जो अभी बताया आपको। तो पहले में क्या भरना है, खालिस्तान में तेल, दूसरे में जरूरी, फिर तीसरे में सूखी और कीड़ा, और इसके बाद जो है लास्ट में किरने और नहीं, किरने और नहीं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सही मिलाना है, तो कैसे मिलाना है उसको, रात, धूप, अशुद्ध गीली मिर्ची, ठंडी, इसके बाद शाम, यहाँ पर क्या होगा, सुबह, तर्जी,
गरम शुद्ध छाया, उसके बाद क्या होगा? दिन। अब देखेंगे हम रात दिन, रात को दिन से मिलाएंगे, धूप धूप को देखें, धूप को किसे छाया से, अशुद्ध को शुद्ध से, गीली सूखी मीठी कड़वी ठंडी गरम और सुबह शाम, तो ये इसमें हम इसको मिलाएंगे और इसको देखेंगे कैसे। सबसे पहले रात का दिन, धूप छाया, अशुद्ध शुद्ध गीली सूखी ठंडी का गरम, शाम का सुबह। अब हम इसमें देखेंगे निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखना है, इसमें गलत लिखा हुआ है और हमें इसे कैसे इसको शुद्ध करके लिखना है, इसको सही तरीके से लिखना है हमको। देखिए वर्तनी शुद्ध करिए, अब पत्नी कैसे शुद्ध करना है, दांत, ये दांत है, अब हमें लिखना है कैसे शुद्ध करके, ये किस तरह है। इसके बाद जो है साबुन, तो हमें क्या लिखना है, साबुन, ठीक है बच्चों, ये अशुद्ध लिखा हुआ है और ये शुद्ध है, क्लियर में। ये पहले लिखा है साबुन, चलता होता है साबुन, उसके बाद है पेड़, पेड़ लिखा है तो ये पेड़ नहीं है, यहाँ होगा पेड़। इसके बाद है बीमारियां, बीमारियां तो क्या होगा, बीमारियां, इसके बाद है शुद्ध लिखा है या गलत है, ये हमें शुद्ध करके लिखना है, तो ये करेक्ट है, ये सही है, इधर रंग है उधर करेक्ट है। अब ये लिखा है नी बॉडी, नी बॉडी तो नी बॉडी नहीं होगा, क्या होगा, नी बॉडी। अब इसके बाद देखेंगे पुष्णा, और यहां क्या होगा, कुर्सियां, क्या होगा यहां पर, कुर्सियां। अब देखा आप लोगों ने कि ये अशुद्ध लिखा है, इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। पहले गांव है, गांव को गांव, दांत को दांत, उसके बाद साबुन लिखा है, साबुन लिखा है तो क्या लिखेंगे, साबुन। फिर है बीमारियां या कड़वी, कड़वी को सही लिखेंगे, बीमारियां लिखा है तो बीमारियां इसमें सही लिखेंगे, बड़ी की मात्रा हटा दो, छोटी वाली की मात्रा लगाएंगे। पेड़, पेड़ लिखा है, फिर लिखा है मच्छर, मच्छर मा चा अच्छा और र, तो ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, मच्छर, ये क्या होगा, मच्छर, तो इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। फिर बस पक्षियों व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से, चिड़िया, पंख और रतनपुर, क्या लिखना है, सबसे पहले व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, वस्तुओं के नाम लिखने हैं और स्थान के नाम लिखने हैं, तो
व्यक्तियों के नाम जैसे राम, वस्तुओं के नाम पंखा, जगह रतनपुर, ईशामपुर, ऐसे ही कई चीजें लिखनी है। वैसे बताया गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो कौन कौन सी, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों जो ये पाठ मैंने पढ़ाया आप लोगों को, मैं हूँ नेम और जो इसकी एक्सरसाइज कराई है उसको आप लोगों को देखना है और उसे सही उसमें लिखना है बच्चों, लिख करके उसको अच्छे से समझना है। थैंक यू बच्चों।